1997 में बनी आरजेडी एक लंबी सियासी पारी खेल चुका है, लेकिन लगता है लालू प्रसाद की छत्र छाया के बगैर पार्टी विचारधारा और मुद्दों दोनों से ही डिरेल हो गई है और ऐसे में अपनों के ही हमलों और आरोपों ने मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। 23 साल का शानदार सफर, उतार चढ़ाव का देखा हर रंग, अब अनिश्चित भविष्य का डर। 23 साल के लंबे सफर में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने कई उतार चढ़ाव का सामना किया है, लेकिन इन दिनों पार्टी सबसे मुश्किल वक्त का सामना कर रही है। पार्टी सुप्रीमो लंबे समय से जेल में हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े गए लोकसभा चुनाव में पार्टी का पत्ता साफ हो गया। ऐसे में पार्टी के भीतर अब एक दूसरे पर ही हमले का दौर शुरू हो चुका है और पार्टी के शीर्ष नेता ही पार्टी की विचारधारा पर सवाल खड़े करने लगे हैं। और सवाल पार्टी की विचारधारा पर ही नहीं, मुद्दों को उठाने के तरीकों पर भी हो रहा है। नहीं बहाली उत्थान से नहीं, क्यों कि उससे आगे हम नहीं बढ़े। अब हम एक ही बात कहते रहे, सामाजिक न्याय सेकुलरिज्म, सामाजिक न्याय सेकुलरिज्म, अब इसमें कोई लस्ट नहीं रह गया। मंथन जाग करने से होगा। गरीबों की क्या समस्या है उसको जानी, कागज बना, संघर्ष का साल भर का दिया। नहीं उतर वंश बाबू का है, पार्टी का नहीं है। पार्टी के सम्मेलन में दिया था सभी, जिसमें लड़ाई छानो, लड़ाई के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो कहा फॉरवर्ड से जीताएंगे, जीते। लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद तेजस्वी यादव ने खाली जगह को भरने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार ने उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया और चुनावी नतीजों के बाद उनकी गुमशुदगी ने तो पार्टी नेताओं को हत्थे से ही उखाड़ दिया है। आपको लड़ना होगा, लालू यादव से सीखिए। लालू यादव 5-6 घंटा 8 घंटा बैठता है लोगों के बीच में, जो फटा पुराना कपड़ा पहने हुए है उसको भी पहचानता है, बिहार के कोने कोने के आदमी है। आपको बदलना होगा, अपने आप को संघर्ष करना होगा, तब जो है काम चलेगा। आज चिरैता पीने की भी जरूरत है। यदि हम में हमारे शरीर में यदि फोड़े फुंसी होने लगे हैं हमें, तो आज चिरैता पीने की जरूरत है। नाराज होने की जरूरत नहीं है। यदि हमसे नहीं संभल रहा है तो हमको चाहिए कि हमारे सक्षम साथी को देना। ठीक है, सलाह दे रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो सलाह तो जाई जी दे रहे हैं कि जनता की समस्या से जुड़ जुड़ करके लड़ करके ही होता है। हालांकि पार्टी नेतृत्व विरोध के इन आवाजों को अभी खुलकर सुनने को तैयार नहीं है और न ही इन आलोचनाओं के सहारे सुधार की शुरुआत करने के मूड में दिख रही है। संघर्ष को आगे जारी रखिए, सब कोई काम करें, मिलजुल कर काम करें, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करो, संगठन के मजबूत करने का काम जरूरत है। आज जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में आएगा उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलेगा श्री कृष्ण का। जाहिर है जब सवाल अपने ही उठा रहे हों तो विरोधियों को बोलने का मौका तो मिलेगा ही, सो विरोधियों ने भी नसीहत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रेयर ये हुआ होगा कि विपक्ष का नेता, इतना इम्पोर्टेंट सेशन हो रहा हो, मुजफ्फरपुर की घटना हुई और एक बार नहीं गए न हाउस में आए, तो कितना सीरियस और कितना कंसर्न बिहार के जनता को लेके है, वो तो फेल कर गए। ही इज ए फेल्ड एज ए पॉलिटिशियन। भाई लाठी आवाज उठने से क्या होता है, वो तो बिल्कुल पलायनवादी दिमाग बना लिए हैं। कांग्रेस का भी वही हाल है और ये भी उसी रास्ते पर चल गए। ये तो साफ है कि आरजेडी अपने सियासी सफर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में जरूरत वरिष्ठ नेताओं के सवालों और कार्यकर्ताओं के असंतोष को नकारने के बजाय उचित तरीके से सुलझाने की है। शैलेंद्र के साथ आशुतोष।